मैंने सम्राट से शादी इसीलिए की थी क्योंकि मुझे लगा था कम से कम विराट तो मेरी आंखों के सामने रहेगा, लेकिन विराट भी यहाँ नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे सम्राट के मिसिंग इन एक्शन होने का दुख नहीं है, बिल्कुल है। स्पेशली जब मैं इन लोगों को दुखी देखती हूँ, आई ऑल्सो फील बैड। लेकिन उसके अलावा मेरे मन में सम्राट के लिए और कुछ भी नहीं है नेहा, और ये सब लोग मुझसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मैं सम्राट के लिए, कोई इतना तक नहीं समझता कि मैंने और सम्राट ने एक दिन भी साथ नहीं गुजारा है। आई एम टेलिंग यू नेहा, अगर मैं इसी टेंशन में जीती रही तो मैं पागल हो जाऊंगी। तुमने इस बारे में आई बाबा से बात की? क्या करती, आई बाबा तो यही कहेंगे ना कि ये सब शादी से पहले सोचना चाहिए था, और स्पेशली बाबा, क्योंकि मैंने उन्हें बहुत कॉन्फिडेंस के साथ कहा था कि मैं शादी के बाद बहुत खुश रहूंगी, जस्ट बिकॉज विराट मेरी आंखों के सामने। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा नेहा, मैं क्या करूं? और ऊपर से इन सब लोगों ने मुझसे सम्राट की सलामती के लिए वट सावित्री का व्रत तक रखवाया। क्यों नहीं रखवाएंगे व्रत बाकी? After all, तो सम्राट की वाइफ है। नाम के लिए? It's okay यार। No, it's not okay। मुझे बुरा फील हो रहा है नेहा, इन सबकी हाई होप्स देखकर। मैं इन लोगों को हर्ट नहीं करना चाहती। ऑलरेडी सब लोग सम्राट को लेकर इतने टेंस्ड हैं, और उनकी कोई गलती भी नहीं है, क्योंकि उनको उम्मीद नहीं, यकीन है कि मेरी प्रेयर्स की वजह से सम्राट वापस लौट आएगा। लेकिन मैं तो चीख चीख के भी नहीं कह सकती कि मैं सच्चे दिल से सम्राट के लिए कोई प्रार्थना कोई व्रत नहीं कर सकती। जिस रिश्ते को निभाना मैं आसान समझ रही थी नेहा, वो बिल्कुल भी आसान नहीं है, और यही सोच सोच के मैं पागल हो जाऊंगी। सब ठीक हो जाएगा बाकी, सब ठीक हो जाएगा। हेलो, हेलो, कैसी हो पाखी? बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ, इनफैक्ट बहुत गिल्टी फील कर रही हूँ कि मेरी वजह से सम्राट। डोंट थिंक लाइक दिस प्लीज। सम्राट को कुछ नहीं होगा, वो वापस आएगा और वो फिट एंड फाइन वापस आएगा, और सम्राट के साथ साथ तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड यानी मैं भी जल्दी घर वापस आ रहा हूँ। रियली? रियली, और आते ही मैं पता लगाऊंगा मेरा जीवा कहाँ है। आखे खोलो, सही सही खोलो, सही पानी पानी। पवार साहब, आप एम्बुलेंस या डॉक्टर का इंतजाम करो ना, जल्दी। सही, क्या किया तूने? कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, क्या करूँ? बाकी मिसिंग इन एक्शन है सम्राट। मिसिंग इन एक्शन का मतलब ये नहीं कि सम्राट। प्लीज डोंट वरी, मैं अपने लेवल पे पता लगाऊंगा। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में मेरे कुछ सही। निनाद मामा ने भी सम्राट के सीनियर ब्रिगेडियर सूद को कई बार कॉल किए, लेकिन बाकी प्लीज रिलैक्स। कहा ना मैंने, जीवा वापस आ जाएगा, कुछ नहीं होगा उसे, ट्रस्ट मी। तुम ठीक तो हो ना? और अब उस सही का क्या होगा? सही का क्या होगा मतलब? मेरा मतलब है कि तुमने ही बताया था ना कि सही का उसके बाबा के अलावा और कोई नहीं है, तो अब वो अकेली कैसे रहेगी बेचारी? आई नो, इट्स रियली सैड, लेकिन अब मैं क्या कर सकता हूं? बाकी कैन आई कॉल यू इन सम टाइम? सही का ही कॉल आ रहा है।
लेकिन अभी तुमने तो कहा कि तुम कर भी क्या सकते हो। बाकी प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड, सही ने अभी अभी अपने बाबा को खोया है एंड गॉड नोज क्यों बार बार मुझे फोन कर रही है। प्लीज होल्ड ऑन। हेलो चौहान साहब। सही मावशी क्या हुआ? सही मावशी क्या हुआ? सही को क्या किया उसने? वो सही ने नस काट ली। मावशी आप घबराइए मत, मैं वहां पहुंच रहा हूँ। चौहान साहब जल्दी आइए, खून बहुत बह रहा है। मावशी मैं वहां पहुंच रहा हूँ। तांबे कमसर के मालो लो कर। सर पाखी मैं बाद में फोन करता हूँ, एक इमरजेंसी है। लेकिन विराट अब क्या हो गया? बताता हूँ बाद में पाखी। विराट विराट सर वो सही काले मैं वहां पहुंच रहा हूँ, तब तक तुम हॉस्पिटल पहुंचो और सारी अरेंजमेंट रेडी रखो, ठीक है? जी सर। लो कर। सही कहा है सर, अंदर आई। चौहान साहब देखिए मैं सही ने क्या किया है। मेरी बच्ची। अरे देवा ये क्या हो गया? सही मौशी प्लीज प्लीज रोना बंद कीजिए। चमन साहब मेरी सही को कुछ नहीं होगा ना, देखिए ना कितना खून बह रहा है इसका। मौशी सही का जो हाथ है हाथ को ऐसे ऊपर रखिए ऊपर की तरफ, वरना ऐसे ही खून बहता रहेगा। सही क्या किया तूने? डॉक्टर साहब जल्दी कुछ कीजिए, सही को कुछ नहीं हो सकता, सही को कुछ नहीं होना चाहिए, आप जल्दी से ट्रीटमेंट शुरू करवाइए। रिलैक्स मिस्टर चौहान। ऑपरेशन के बाद शायद मैं बच सकता, मुझे बात अब मेरी बेटी सही का ख्याल रखोगे? मैं वादा करता हूं मैं सही का ख्याल रखूंगा। सही कैसी है उषा? अंदर ऑपरेशन थिएटर लेकर गए। चौहान साहब यहां पर जो कुछ भी हुआ ना उसके जिम्मेदार आप हैं, केवल आप। अगर आप साई को छोड़कर नहीं जाते तो आज साई का ये हाल ना होता। कितना समझाया हमने आपको, सही अकेले नहीं रह सकती, नहीं रह सकती वो अकेले, वो नहीं सह सकती कमल जी के जाने का दर्द, उसे आपके सहारे की जरूरत है। लेकिन आपने देख लिया क्या हुआ, देख लिया आपने। सही को कुछ नहीं होगा, डॉक्टर्स उसका इलाज कर रहे हैं, कुछ नहीं होगा उसे। इलाज आज कर रहे हैं ना, कल क्या? कल साई ने फिर अपने आप को मारने की कोशिश की तो? विराट सर सही की सुरक्षा अब आपकी ड्यूटी है। उठता है मेरा यहाँ, करिश्मा जब देखो तब पीछे पड़ी रहती,
अश्विनी मामी बात बात पर मुझे ताने मारती रहती है। एक पल भी मैं चैन से सांस नहीं ले पाती हूँ। कहाँ जा रहे हो शैलेश? भवानी जी से बात करने। शैलेश तुम? उनसे पूछो तो सही, वो क्या सिर्फ नाम के लिए इस घर की बड़ी है? अरे इसलिए थोड़ी की थी हमने शादी अपनी बेटी की इस घर में कि उसे ये दुख ये अपमान सहना पड़े? नहीं हरगिज नहीं, मेरे रहते हैं मेरी बेटी ये सब झेले मैं नहीं देख सकता। तुम्हारा दिमाग ठिकाने पे है शैलेश? भूल रहे हो ससुराल है ये बेटी का, और अपने ससुराल की प्रॉब्लम्स वो खुद सॉल्व करना सीखे ना तो बेहतर होगा। अगर मायके वाले बीच में पड़ते हैं ना तो बिगड़ी बात और बिगड़ जाती है। किस जमाने की बात कर रही हो तुम वैशाली? अरे वो जमाना गया जब बेटी की डोली के साथ साथ माँ बाप उसकी जिम्मेदारियों को भी विदा कर देते थे। गया वो जमाना, बेटी की शादी के बाद माँ बाप को उसकी कोई परवाह नहीं होती थी। लेकिन मुझे है। अरे क्यों सुनेगी मेरी बेटी बिना बात किसी के ताने? इसका बाप जिंदा है, अभी मरा नहीं हूं मैं। लेके जाऊंगा मैं इसे अपने साथ। क्या बोल रहे हो शैलेश? अरे क्यों रहेगी वो यहाँ, वैसे भी सम्राट यहाँ है नहीं। जब वो वापिस आएगा ये भी वापिस आ जाएगी। देवा शैलेश जरा सोच समझ के बात किया करो। हाँ गुस्से में कोई भी फैसला ले लेते हो। अरे क्या लगा रखा है मेरी बेटी मेरी बेटी? मेरी बेटी भी है वो, चिंता है मुझे इसकी, इसीलिए कह रही हूँ ठंडे दिमाग से काम लो। ये मैटर भवानी जी के सामने जाएगा ना तो इसके लिए प्रॉब्लम बढ़ेगी कम नहीं होगी। मैं भवानी जी से रिक्वेस्ट करूंगी। हाँ एटलीस्ट कुछ दिनों के लिए तुम्हें हमारे साथ आने दो। ब्लड लॉस काफी ज्यादा हो चुका है, अभी सई को इमीडिएट ब्लड चढ़ाने की जरूरत है, काफी क्रिटिकल कंडीशन है। डॉक्टर साहब आपको जो कुछ भी करना है ना कीजिए, लेकिन सई को कुछ होना नहीं चाहिए। सई का ब्लड ग्रुप एबी नेगेटिव है और हमारे ब्लड बैंक में एक भी यूनिट एबी नेगेटिव का नहीं है। डॉक्टर साहब हम कहाँ से लाएंगे खून? इतना बड़ा हॉस्पिटल है आपका, इतने बड़े डॉक्टर है आप, आप भी कुछ कीजिए ना, मेरे सई को बचा लीजिए डॉक्टर साहब, मेरे सई को बचा लीजिए। मेरा खून ले लीजिए। कौन सा ब्लड ग्रुप है आपका? मेरा ब्लड ग्रुप एबी नेगेटिव है। प्लीज कम नर्स, इनका ब्लड टेस्ट करो। आइए आइए प्लीज कम आइए। खूब आभार है तुमसे बप्पा, जो सई की जिंदगी में विराट जैसा लड़का भेजा, उसकी जान बचाने को। आपका इशारा समझ गई हूं मैं बप्पा। सर एक रिक्वेस्ट आया, ही रिटायरमेंट पोस्टपोन करा प्लीज। गढ़चिरौली में आपका स्वागत है। एसीपी चौहान साहब प्लीज मेरे आपा को रिटायरमेंट लेने दीजिए ताकि हम कल ही नागपुर जा पाए। मेरे आवा का वीआरएस सैंक्शन कर दो, उसके बाद मैं आपकी शक्ल कभी नहीं देखूं। मैं आपसे कुछ पूछ रही हूँ ना, आवा को वीआरएस आप कब देंगे? मेरा वीआरएस विराट सर ने पहले ही सैंक्शन कर दिया। Thank you.
ऐसा क्यों किया तुमने सही? और करते भी क्या? कमल दादा के जाने के बाद इस दुनिया में इसका है ही कौन? इसके लिए तो इसकी आबा ही इसकी पूरी दुनिया थी। अब जब इसकी दुनिया ही उजड़ चुकी है, क्या करेगी बेचारी? जवान साहब, कमल दादा चाहते थे कि आप सही की पूरी जिम्मेदारी लो। सिर्फ उसकी पढ़ाई की जिम्मेदारी नहीं, सोच क्या रहा है विराट? उषा मौसी सच तो कह रही है, सही अब तेरी जिम्मेदारी है। और तू भूल मत कमल सर, जिन्होंने अपने सीने पर गोली खाकर तेरी जान बचाई है। तूने वादा किया था उनसे कि तू उनकी बेटी सही का ख्याल रखेगा, जबान दी थी तूने अपने दम तोड़ते गुरु को। विराट चव्हाण जाची पक्की जबान, याद है ना? याद है, मैं आज भी अपनी जुबान और अपने वादे से पीछे नहीं हट रहा हूं। हां, सही मेरी जिम्मेदारी है, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं गांव वालों के प्रेशर में आकर उससे शादी कर लूं। सही की जिम्मेदारी तू उससे शादी करके ही पूरी कर सकता है, और बाकी का क्या, जिसे मैंने वादा किया था कि मेरे दिल में, मेरी जिंदगी में कोई और नहीं आएगा, उसका क्या? वादा तो तूने कमल सर को भी किया था कि तू अपने फर्ज, अपनी ड्यूटी से कभी मुंह नहीं मोड़ेगा, किसी भी कीमत पर नहीं, उसका क्या? अभी देखा ना कि सही ने क्या किया? अगर आगे भी उसने ऐसा कोई कदम उठाया तो? विराट, सही को तेरी जरूरत है, तेरे सहारे की जरूरत है, पर बाकी का क्या, जिसने मेरे प्यार के भरोसे पर और वादे के यकीन पर सम्राट से शादी कर ली, उसका क्या? उसका क्या विराट?